हेलो एवरीवन, प्रीति के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी मैं जस्ट आफ्टरनून होगी और मैं जा रही हूँ मेरे बेटे के साथ। वेयर वी आर गोइंग? ऑफिस। हम आज पापा के ऑफिस जा रहे हैं बिकॉज टुडे इज संडे। सो सोचा इसको आज इसके पापा के ऑफिस लेके जाती हूँ। वो कब से बोल रहा है? से हाय एवरीवन, नमस्ते करो। बस अभी मिलती हूँ, मैं सीधा ऑफिस जा रही हूँ और उसके बाद मैं आप सबसे सबको हमारा ऑफिस दिखाती हूँ। ठीक है, बाय। बड़ा हो गया ना तो उसको बाल निकल जाता है, खाता है क्या? ये देखो हम ऑफिस पहुंच चुके हैं और ये देखो हमारे पास हमारी पर्शियन कैट है जो कि बेचारी आज जा रही है। आज इसको लेके जा रहे हैं हमेशा के लिए। एंड शी इज 8 मंथ्स ओल्ड। इसका बर्थ हुआ था 31st December आई थिंक। इसका बर्थ हुआ था 31st December और हमारे घर आई थी 23 January को मेरे बेटे के लिए। बट मेरे बच्चे ना बहुत डरते हैं इससे। ऑस्कर एंड हिज नेम इज ऑस्कर, ही इज अ मेल। And he is going for permanently in another house. I don't know. देखो उसको फील भी हो रहा है। वो देखो कैसे बेचारा मुंह ऐसे नीचे करके बैठ गया है, बहुत मायूस हो गया है क्योंकि वो हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा रहे हैं। हेलो सभी को, मैं जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हस्बैंड के ऑफिस जा रही हूँ और मैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बैठी हूँ। आप देख लीजिए सर, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे साईं बाबा हैं और ये पूरा हमारा ऑफिस ओवरऑल यू कैन सी। हमारी कैट हमेशा हमेशा के लिए चली गई है किसी के साथ और उनके पास ढेर सारी कैट हैं। एक्चुअली वो हमारी जो कैट है ना, वो ऑफिस को नहीं छोड़ती थी और ऑफिस में ना एक्चुअली हम ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते क्योंकि ऑफिस में है ना कस्टमर आते हैं जो कि कुछ को पेट पसंद है, कुछ को नहीं पसंद। तो वो हमारे घर पे भी नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो बेचारी चली गई है अभी हमेशा के लिए। थोड़ा बहुत एक्चुअली मेरे को पेट दूर दूर से पसंद है, मैं कभी हाथ में नहीं लेती, मुझे डर लगता है। बट आज वो गई ना तो आज मेरे को बड़ा अजीब लगा, थोड़ा फील हुआ कि जो पेट 7-8 महीने तक छोटा सा आया था न्यू बॉर्न बेबी और आज वो 8 महीने का होके चला गया हम किसी और के पास। वो जो हमारी कैट है उसका नाम था पर्शियन कैट थी और ऑस्कर था उसका नाम। अभी देखो उसका मन नहीं था जाने का, मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूंगी वो किस तरह से उसको लेके गए हैं। वो होता है ना, हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, वो बेचारे जानवर हैं, वो बोल के नहीं बयां कर सकते। वो जस्ट एक अपना उसको पता मालूम पड़ा ना कि वो जा रहे हैं कहीं और, तो वो तब से ना मायूस होके बैठ गए हैं। तो बस भगवान करे उसकी अच्छी परवरिश हो। बोला तो हमने यही है कि उसको प्यार देना अच्छे से, उसको तंग मत करना। अभी देखो क्या होता है, हम उससे मिलने जाएंगे, ऐसी बात नहीं है हम उससे मिलने नहीं जाएंगे, मिलने तो डेली जाएंगे, डेली भी नहीं मतलब कभी कभार होगा। वो जो हमारा कैट है वो चैम्बूर गया है, भगवान करे सुखी रहे, अच्छे से रहे, खुश हो जाए, सबसे घुल मिल जाए जितनी भी कैट है। वो जो जिनके बीच में जा रहा है वो रशियन कैट है और हमारी पर्शियन कैट है। बाकी तो मैं यहाँ पे देखो बैठी हुई हूँ मेरे हस्बैंड के ऑफिस में। बाय सभी को। उसको नहीं जाना हो। अरे 31 December से उसका घर है ये। ऑस्कर मम्मी
चलो थैंक यू, अच्छे से ख्याल रखना इसका प्लीज। मार रहा है, मार रहा है उसको, नहीं जाना। मारा ए, इसको हटाना। ऑस्कर बाय, ऑस्कर जा रहा है हमारा। चलो ओके, ध्यान रखना इसका।